करनी है तो ऐसे करो वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं, अरविंद जी अवसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के, और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग तो मिट्टी से आए हैं भाई। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए, मैंने कहा जी क्या हो गया फिर, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का, आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, इधर थल्ले तक पानी है हम लोग, उधर थल्ले की जावांगे हूं ना। हमें गहराई से डर लगता है ना हमें ऊंचाई से डर लगता है, डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है कि वो जितनी इज्जत बना के रखी है इतनी ही कायम रख दे, भले ही बड़े ना लेकिन कम ना हो, उस इज्जत को बचा के रखे, समर्थ बख्शे, जनता के पक्ष में फैसले लेने वाला पेन जनता के पक्ष में ही चलता रहे, यही दुआ करते हैं। एक बार जो तालियां, जो आपका प्यार मिल रहा है, यह आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। ये क्या समझते अपने आप को, इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता, हमारा दादा भी परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ फुफा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलत फहमी में थे, जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब, जनता है जनता, ये पब्लिक है सब जानती है, जनता जब चाहे आदमी अर्श पर और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती आ जा बेटा फर्श पर, बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं, जनता से डर लगता है, डरना भी चाहिए, तो इसीलिए आपके पास आए हैं, झाड़ू उठाइए, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते, ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने, आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं, कौन सा भरना है, जीरो ही है, ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली का कनेक्शन काट जाएंगे, जीरो है, ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, फिर उस बात को उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं, अगले हफ्ते आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है 1 करोड़ बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेकर ठीक होकर अपने घर जा चुका है, इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का। ये चीजें करते हैं हम तो भाई, ये चीजें हमें करनी आती हैं, हम वो वाला नहीं करते इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो और हैं, आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं, बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना, क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने तो बोल दिया था उस वक्त, सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी सारे बैठे थे, मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं, मैं तो बोल देता हूं सच, सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता, जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे, झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोलने, सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपया आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कहते आ गया, पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो।
ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। ये बात शक में है भाई साहब, मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में, एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था, गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी ही बेच दी, सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, कुछ चीज नहीं है जो। हाँ थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है, ऐसा नहीं है करके बेचा है, कुछ खरीदा भी है, तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए, इनका क्या करोगे भाई साहब। 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं, अब परखे हुओं को और पथ परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी, जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी वो तो खाली है, क्या करें। मोदी जी ने पूछा कहो किसने बनाए, सतेंद्र जैन ने बनाए, जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया सतेंद्र जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे, मापे हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए, जी मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल, हरियाणा भी जाता मध्य प्रदेश जाता जहां भी जाता है बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे, हम वो पत्ते नहीं। यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे ना, आते हैं देखो आते हैं, वो उनको आना पड़ता है, बताना होता है ना कि क्या हो रहा था, किसने क्या बोला, नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तालियां कितनी जोर से बज रही थी, उनको बताना पड़ता है। अगर है ना यहां पे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जींद आया था, ये बात बोल के गया था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, बीजेपी की आंधियों को बोल दो औकात में रहे, हमको डराने की कोशिश मत करो, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम झंडे को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं। ये पंजाब ही है, छोटा भाई है पंजाब का, हरियाणा कट्ठे ही थे सब भाई साहब, बॉर्डर तो हमारा लगता है ना 532 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, हमारे अग्निवीर हमारे फौजी जवान खड़े हैं ना अपना सीना तान के, गोली जब भी देश की तरफ आती है पहले हमारे सीने में आती है भाई साहब, इनको क्या पता है यार देश का, ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उठो जागो, ये मत कहा करो हमने क्या लेना है, भाई हमने ही लेना है। अगर भगत सिंह ये सोचते हमने क्या लेने का, याद होते लाला लाजपत राय जी का आज उनका जन्मदिन है, आज लाला लाजपत राय जी अगर सोचते मैंने क्या लेना है, उन्होंने लाठियां खाई थी अंग्रेजों से, अरे भाई साहब उन्होंने खून दिया हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करना, कोई गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। एक ऐसा बक्सा होता है जिस दिन वोट पड़ेंगे ऐसी होगा, पर्दा लगा होगा, एक बटन दबा देना झाड़ू वाला।